ये लाइन खास करके उन लड़कों के लिए है जो लड़के अपने पैरों पर खड़ा नहीं है फिर भी वो अपनी मोहब्बत के साथ साथ फेरे लेने के सपने देख रहे। ओ भाई, एक बार आईने के सामने खड़ा होकर खुद की शकल को देखो और तुम्हें क्या लगता है कि एक बाप अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे जैसे निकम्मे के हाथ में देगा क्या? नहीं, एक बार आईने के सामने खड़ा होकर देखो अपनी शकल को, तुम्हें क्या लगता है एक बाप कभी भी नहीं चाहेगा ना कि तुम्हारे जैसे घटिया और निकम्मे लड़के के हाथ में देना। भाई मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि तुम अपने पैरों पर खड़ा हो जाओ, कुछ बन के दिखाओ। भाई देखो, आपकी जो मोहब्बत होगी ना, जो आपकी गर्लफ्रेंड होगी ना, वो ये नहीं कहेगी कि बाबू तुम महीने के लाख रुपए कमाओ, 10 लाख रुपए कमाओ, ये आपकी गर्लफ्रेंड कभी नहीं बोलेगी। पर सच कहूँ ना तो पैसा ही सब कुछ है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बोलेगी, पर लड़की के माँ बाप यही कहेंगे कि लड़का क्या करता है, कितना रुपये महीने का कमाता है, तो तुम क्या जवाब दोगे? मजाक चल रहा है क्या ये? जबरदस्ती तो शादी नहीं कर सकते हो ना, तो तुम्हें कुछ बनकर दिखाना पड़ेगा। और अगर मोहब्बत ना भी मिली ना बनने के बाद, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा रहेगा ना, पैसों से सब कुछ होता है, ठीक ना? और अगर पैसा नहीं है ना, तो मैंने बहुत से लोगों की मोहब्बत देखा है 20 सड़कों पर नीलाम होते हुए, और तुम चाहते हो ना कि हमारा 20 सड़क पर नीलाम हो जाए, तो भाई तुम्हारी मर्जी। मैं तो इतना ही कहूँगा कि अपने पैरों पर खड़ा हो जाओ और कुछ बन जाओ और अपनी मोहब्बत को हासिल कर लो, शायद, वरना आपकी मर्जी।